हापुड़ लाठीचार्ज मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमों की टली सुनवाई, अदालतें चली। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन के बीच मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अदालतें तो चली, लेकिन वकीलों ने कामकाज नहीं किया। वकील लाठीचार्ज के दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई न होने और जाँच के लिए गठित SIT में अपना प्रतिनिधित्व न होने से नाराज है। गौरतलब है कि सोमवार को स्वतः संज्ञान लेकर मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने वकीलों के प्रकरण पर सुनवाई की थी। घंटों चली बहस के बाद कोर्ट ने SIT में पूर्व जज हरिनाथ पांड्या को शामिल करने के सरकारी सुझाव पर अपनी मुहर लगाते हुए वकीलों से काम पर लौटने की अपील की थी। असंतुष्ट वकीलों के रवैये को देख उन्होंने दो टूक कहा था कि मंगलवार से अदालतें काम करेगी। हालांकि देर रात चले मंथन के बाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय ले लिया। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की मांगों के समर्थन में हाईकोर्ट, जिला कचहरी समेत अन्य अर्ध न्यायिक अदालतों में बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों ने काम नहीं किया। अदालतों में जज समय से बैठे। सरकारी वकीलों की मौजूदगी में सूचीबद्ध मुकदमों की पुकार भी हुई, लेकिन अधिकांश मामलों में वादियों की ओर से वकील पेश नहीं हुए। सुनवाई अगली तिथि तक टाल दी गई। उत्तर प्रदेश में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल विधानसभा में पेश करने की मांग को लेकर वकीलों ने राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया है। वकीलों के साथ हर दिन हो रही हिंसक घटनाओं का हवाला देते हुए समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव रिपुसूदन यादव और अधिवक्ता राय साहब यादव के नेतृत्व में वकीलों ने अपर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। वकीलों ने ज्ञापन के साथ प्रस्तावित बिल का प्रारूप भी प्रेषित किया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के तर्ज पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पेश जाना समय की मांग है। खबर जगत के लिए सहयोगी विनोद कुमार की रिपोर्ट। क्या है मामला ये पूरा? आज हापुड़ के अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज को लेकर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज पुतला का कार्यक्रम रखा गया था। DGP का पुतला फूकना है, उसी के उद्देश्य को लेकर हम लोग सभी अधिवक्तागण आक्रोशित हैं और बार काउंसिल के आह्वान पर चक्का जाम किए हुए हैं। चक्का जाम करके जो है DGP उत्तर प्रदेश का पुतला फूंक रहे हैं और इस पुतला फूंकने के बाद हम लोग ज्ञापन देंगे जो है। पर्चे रत्नेश कुमार शुक्ला, पूर्व कोषाध्यक्ष DBA इलाहाबाद। क्या है मामला? हापुड़ में पुलिस के द्वारा की गई बर्बर लाठी चार्ज, जबकि आम अधिवक्ता अपने कार्य को करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से अपने धरना स्थल पर बैठकर अधिवक्ताओं के खिलाफ की गई फर्जी FIR के विरोध में अनशनरत थे, आंदोलित थे। तब 3:30 बजे सायंकाल वहां के भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अधिवक्ताओं के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया गया और यहां तक कि महिला अधिवक्ताओं को भी निशंस रूप से पीटा गया। उस घटना की हम लोग भरसक आलोचना और निंदा करते हैं और माननीय बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का आह्वान हमारे है कि 4, 5, 6 को उत्तर प्रदेश के समस्त अधिवक्तागण न्यायिक कार्य विरत रहेंगे। उसी क्रम में आज दिनांक 5 सितम्बर 2023 को DGP उत्तर प्रदेश, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश का पुतला दहन का कार्यक्रम था, जिसके संदर्भ में हम आम अधिवक्ताओं के द्वारा इतना आक्रोशित होने के बावजूद प्रदेश सरकार के द्वारा अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई और उल्टा अधिवक्ताओं के खिलाफ प्रथम घटना रिपोर्ट दर्ज करके दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है, उसका विरोध करते हुए हम लोगों ने आज DGP उत्तर प्रदेश और प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश का पुतला दहन किया है। और ये आंदोलन तब तक सुचारू रूप से संचालित रहेगा जब तक आम अधिवक्ता को अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट नहीं मिल जाता और उन अपराधी पुलिस कर्मियों को जिन्होंने महिला अधिवक्ताओं के साथ साथ जूनियर अधिवक्ताओं के ऊपर बर्बर लाठी चार्ज किया है, FIR दर्ज करते हुए उनके निलंबन की कार्रवाई नहीं की जाती। हम अधिवक्तागण अपने इस आंदोलन को सुचारू रूप से संचालित करेंगे और हम अपने मुख्यमंत्री को पुनः ये बात कहते हैं कि आम अधिवक्ताओं को प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाते हुए और उत्तर प्रदेश को अधिवक्ता का सुरक्षित राज्य बनाइए, जिससे कि हम आम अधिवक्ता किसी मजलूम और पीड़ित इंसान की लड़ाई को बिना भय और डर के रह सके और उत्तर प्रदेश पुलिस को जो कि इस समय निकाबू हो गई है उस बेकाबू पुलिस को रोकने का कार्य करिए, अन्यथा ये आंदोलन उग्र रूप लेगा और हम लोग विधानसभा का भी घेराव करेंगे। अम्बरीश त्रिपाठी रवि, पूर्व ऑडिटर, जिला अधिवक्ता संघ, प्रयागराज।